दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसके डेट्स आ चुके हैं। इस 7 चरणों में 2019 का चुनाव होने वाला है, लेकिन जो नए मतदाता हैं, नए वोटर हैं, इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन इनका वोटिंग लिस्ट में नाम आया है या नहीं है, या इनका वोटिंग कार्ड आया नहीं, प्रॉब्लम इनके साथ है। तो ये मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो नए वोटर कार्ड है, जो वोटिंग कार्ड, इनका वोटिंग लिस्ट में नाम आया है या नहीं है, कैसे सर्च करते हैं, अपना वोटिंग कार्ड नंबर भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाए, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 2019 का चुनाव आ चुका है, वोटिंग लिस्ट में नाम आया नहीं, हम कैसे सर्च कर सकते हैं? चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आपको आज मैं बताता हूँ कि वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम आया है या नहीं, और वोटर का नाम कैसे सर्च कर सकते है। चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, दोस्तों ये मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद जो गूगल सर्च ओपन होता है, उसमें गूगल सर्च में आपको वोटिंग कार्ड सर्च आपको डालना होगा। वोटर सर्च, ये लिंक जो वोटिंग सर्च डालने के बाद जो लिंक आपको जो पहले दिख रही है, जो मराठी करके जो वोटिंग सर्च करके, वो लिंक में आपको क्लिक करना होगा। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, और वो लिंक पर क्लिक करने के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर आपका वोटिंग कार्ड दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप नेम वाइज और दूसरा आईडी कार्ड वाइज। तो मैं आपको नेम वाइज वोटिंग कार्ड कैसे सर्च होता है ये आपको ढूंढकर दिखाता हूँ। इसके बाद भी आपको अब आपकी डिस्ट्रिक्ट और असेंबली डाल के आपका नाम आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, उसके बाद आपको मिडल नेम, उसके बाद आपको लास्ट नेम, और उसके बाद जो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दी रहती है 21 + 44 यहाँ पर दिख रही, वो कैलकुलेशन में आपको डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी टोटल वोटिंग लिस्ट में जो आपका नाम आया है वो आपको सर्च कर देगा, उसके रिलेटेड जितने भी नाम रहते हैं आपको दिखा भी देते हैं। तो आप कौन से मतदार संघ में आपका नाम आ रहा है, आप कहाँ पर वोटिंग डाल सकते हैं, कौन से वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है, और आपका ईपी के नंबर मतलब वोटिंग कार्ड का नंबर भी आपको शो करेगा। तो आप वहाँ से PDF फाइल भी आप डाउनलोड करके आपका वोटिंग लिस्ट एरिया की देख सकते हैं। जब ये सब आपको जब ओपन होती है, तो उसमें आप कौन से पार्ट में आपका नंबर आ रहा है, कौन से लिस्ट में, कहाँ पर आपकी पोलिंग स्टेशन एड्रेस है, और आपकी जो फैमिली डिटेल्स है वो सब यहाँ पर शो करता है। चाहे तो आप फाइल PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी पूरी जो रीजनल एरिया होती है वहाँ पर आपको शो करेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाइए।